बिजली विभाग की लापरवाही जान पर भारी। एक लापरवाही ने ले ली जान। बिजली कर्मी की मौत का कौन जिम्मेवार? एक लापरवाही ने जान ले ली। एक लापरवाही ने एक परिवार के चिराग को मार दिया। नालंदा के रहुई में बिजली विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। नटटोला इलाके में एक ट्रांसफार्मर पर बिजली कर्मी अजीत कुमार पांडे बिजली ठीक करने के लिए चढ़े थे। इस दौरान पावर हाउस को बिजली शटडाउन करने की सूचना दी गई थी, लेकिन जैसे ही बिजली कर्मी ट्रांसफार्मर पर चढ़े तभी पावर आ गई और वो बिजली की चपेट में आ गए। बिजली कर्मी का शरीर धू धू कर जलने लगा। हालांकि आसपास के ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर पर चलते बिजली मिस्त्री को देख इसकी सूचना पावर हाउस को दी, लेकिन इसके बावजूद पावर हाउस की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जिसके कारण बिजली कर्मी की दर्दनाक मौत ट्रांसफार्मर के ऊपर ही हो गई। घटना का पीछे मानते हैं मिस्त्री के। हुआ क्या यहाँ? यहाँ पर लाइन कटाया है और लाइन कटा के यहाँ पर आदमी था, वह बोल रहा था हमसे कि लाइन कटाया, हमारे सामने बातें हुआ है और लाइन कटा के चढ़ा है, तो कहा लाइन काट दिए। काटने के बाद एक मिनट लाइन कटा, हम घर में सोए थे तो लाइन कटा है, और बाद हल्ला हुआ न टोली तो हम दौड़ा लाए, और हम बुच्ची पांडे फोन लगाए तो बुच्चिया पांडे तो बेचारा लाइन में फंसल है तो उठावेगा फोन कैसे, तो यहाँ देखे तो ये लहक रहा, तो शॉट डाउन लिया था पावर हाउस से, ये भी मिस्त्री थे, इस शॉट डाउन लिए और बाद में लेला के बाद में चढ़े और बाद लाइन दे दिया। लाइन देवे का मतलब है कि दुश्मनी से इसको मारा गया है। तो ये हत्या है? हाँ, ये हत्या है। वह इस घटना पर ग्रामीणों में घोर आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार बिजली कर्मी की मौत नहीं बल्कि हत्या की गई। उधर बिजली विभाग की इस लापरवाही पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऋषिकेश, नालंदा।